कांग्रेस के नगर निगम प्रभारियों कौल सिंह, जीएस पाली, राजेंद्र राणा पर विजिलेंस जांच बिठाकर भाजपा चुनावों में जीतना चाह रही है, ये आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जितने भी हथकंडे अपना ले, वे अपने षड्यंत्रों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अचानक चुनावों के वक्त उन्हें चार्जशीट की याद आ गई है। पहले वे अपनी नीयत साफ करें और बताएं कि वे 3.5 वर्ष तक किसका इंतजार कर रही थी, उन पर आज तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार गलत व्यक्ति को निशाने पर ले लिया है, जिसका आने वाले नगर निगम में परिणाम भुगतना पड़ेगा। विधायक राजेंद्र राणा ने इस मौके पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि उन्होंने विजिलेंस की धमकी गलत जगह दे दी है, जिसके अब उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने भाजपा को चैलेंज करते हुए कहा कि वे साबित करके दिखाए कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने भाजपा सरकार को कहा कि आप इंतजार ना करें, बल्कि अगर उनमें हिम्मत है तो उनके खिलाफ तुरंत जांच करवाए और साबित करें कि वे भ्रष्टाचारी हैं। अगर वे उन्हें भ्रष्टाचारी साबित कर देंगे तो वे उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का हथकंडा है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसे ये देशद्रोही करार देते हैं। अगर उसमें सफल नहीं होते तो वे उनके खिलाफ विजिलेंस और ईडी की जांच बिठाकर उन्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी नेता अब दबने वाले नहीं हैं और भाजपा का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वागत करता हूं। अगर प्रदेश सरकार ये साबित कर दे कि मैंने कभी किसी से 1 रुपए का भी फायदा लिया हो, ये विजिलेंस की जो धमकी है इन्होंने गलत जगह दे दी है। विजिलेंस की जो धमकियां दे रहे हैं वो उन लोगों को दे रहे हैं, अभी सोलन में मुझे लगाया गया और जीएस बाली जो हैं पूर्व मंत्री हैं उनको मंडी में लगाया गया, श्री कौल सिंह जी जो कि पूर्व मंत्री हैं उनको पालमपुर में लगाया गया है। ये चार, एक और का नाम डाला है वैसे फॉर्मेलिटी के लिए, ये हमारे 3 लोगों के खिलाफ जो है विजिलेंस की धमकी दी गई है। मैं सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंतजार मत करो, आप इंक्वायरी कराओ। और आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको तो देशद्रोही करार दे देते हैं। अगर सरकार की कमियों को गिनाता है तो उसको देशद्रोही करार दे देते हैं। अगर देशद्रोही करार देने में असफल हो जाएं तो उसके विरुद्ध CBI, ED और विजिलेंस की धमकियां दे देते हैं। तो अगर इनमें हिम्मत आया तो इंक्वायरी कराएं। मैं तो कह रहा हूं, उनको चैलेंज दे रहा हूं, ये साबित करें। मैंने तो अपने जीवन में अपनी पूंजी जो थी वो गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाई है, प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई ये साबित कर दे कि राजेंद्र राणा ने किसी से चाय का कप भी डिमांड किया है तो हम सियासत है उसी दिन त्याग पत्र लेके संन्यास ले लेंगे। सरकार को मैं बोल रहा हूँ कि जिस एजेंसी से जांच करानी करवाइए, FIR दर्ज करानी है FIR दर्ज कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु गलत पंगा लोगे तो भुगतना भी पड़ेगा। हम डरने वाले, धमकने वाले, अगर धमकाना चाह रहे हैं तो हम धमकने वाले नहीं है। हम कॉरपोरेशन के चुनाव में जोरदार तरीके से उतरेंगे और सभी स्थानीय नेताओं के सहयोग और यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हुआ तो जीतेंगे।